chapter 7, this is the introduction video of chapter 7. Chapter name is decimals. इस चैप्टर से हमें डेसिमल के बारे में पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, एडिशन के बारे में पढ़ना है, डेसिमल ऑफ एडिशन, डेसिमल ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है डेसिमल्स के, उसके बाद डिवीजन पढ़ने हैं, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ना है, डेसिमल के असेंडिंग ऑर्डर, डेसिमल के डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पढ़ना है, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन पढ़ना है और हमें डेसिमल फ्रैक्शन. अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं इसको देख लेते हैं. डेसिमल फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 हो एक्सेट्रा, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन करते हैं. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए 3/10, 5/100, 48/1000 लिखा हुआ है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 को एक डिजिट पर डेसिमल लगाएंगे यहाँ हो जाएगा 0.3 हो जाएगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू करके 100 से डिवाइड करने पर टू डिजिट पर हम डेसिमल लगाएंगे 0.05 हो जाएगा. आप देख सकते हैं 1/10 लिखा 0.1 लिख देंगे, 9/100 है तो ये 100 से डिवाइड करने पर टू डिजिट पर डेसिमल लगाएंगे 0.09, वन डिजिट टू डिजिट, टू डिजिट पर डेसिमल है. 2/1000 लिखा हुआ है, 1000 से डिवाइड करने पर थ्री डिजिट पर हम डेसिमल लगाएंगे 1, 2, 3 यहाँ पर लगाएंगे तो 0.002 हो जाएगा. इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको. लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, लाइक डेसिमल्स, डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखने वाले जो डेसिमल्स होते हैं हम उनको हम लाइक डेसिमल्स करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 9.82 है, 6.03 है, 14.58 है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद टू डिजिट, डेसिमल के बाद टू डिजिट, डेसिमल के बाद टू डिजिट है, इस तरह से इक्वल है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, इसको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल्स. और लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखने वाले जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम अनलाइक डेसिमल्स करते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं 6.4, 8.93, 12.065 है, पॉइंट के बाद वन डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद यहाँ पर टू डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पर थ्री डिजिट है, तो ये प्लेसेस जो डेसिमल की डेसिमल का जो प्लेस है वो डिफरेंट है. यहाँ पर एक डिजिट पर, यहाँ टू डिजिट पर, यहाँ थ्री डिजिट पर है, पोजीशन अलग अलग है डेसिमल, ये पॉइंट की पोजीशन अलग अलग है, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं अनलाइक डेसिमल्स कह सकते हैं. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन 2 होल नंबर 1/10 है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम 2+1/10 ऐसे लिख सकते हैं, 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, 10 से डिवाइड करने पर एक डिजिट पर हम डेसिमल लगाएंगे, 2+0.1 को हम जब ऐड करेंगे तो 2.1 हो जाएगा. इस तरह से अलग अलग हम मिक्स फ्रैक्शन दे सकते हैं, जैसे 3 होल नंबर 5/100 है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है. अब ये जैसे ये नंबर लिखा है 269.374 है, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 ये 2 लिखा हुआ है, 2 का प्लेसेस वैल्यू क्या होगा, 200 होगा, यहाँ पर जैसे 2 लिख करके 1, 2 टू डिजिट है तो 20 बढ़ा देंगे, या 2×100 भी कर सकते हैं तो 200 हो जाएगा, प्लस 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 का प्लेस वैल्यू 69 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 9 होता है, उसके बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद पहली डिजिट जो है फर्स्ट डिजिट उसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट अपॉन 10 लिखेंगे, तो 3/10 हो जाएगा. सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड डिजिट अपॉन 100 लिखते हैं तो 7/100 हो जाएगा. तीसरी डिजिट के लिए, थर्ड डिजिट के लिए क्या लिखते हैं, थर्ड डिजिट अपॉन 1000 लिखते हैं तो 4/1000 हो जाएगा. सपोज यहाँ पर 3 की प्लेस पर अगर 0 होता तो हम क्या लिखते हैं, 0/10 है, 0/10 क्या होता है, 0 होता है, यहाँ 0 लिख सकते हैं. 7 की जगह पर अगर 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 की जगह पर अगर 0 यहाँ पर होता तो 0/100, 0/100 क्या होता है, 0 होता है. इस तरह से हम लिख सकते हैं. डेसिमल्स क्या होते हैं, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए ये सब डेसिमल नंबर्स हैं, 0.1 है, 0.09 है, 0.002 है, 2.3 है, 2.5 है, इस तरह से डेसिमल नंबर्स हैं. इस तरह से ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो गया है.